आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में गाइस बोल रहा है कि टू कैपेसिटर है, कैपेसिटीज कितना है, 3 माइक्रोफेराडे एंड 5 माइक्रोफेराडे है, ठीक है ना, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द थर्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराडे। यानी कि हम दोनों को क्या कर रहे हैं कि हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और फिर ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराडे, इसको हम सीरीज में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द इंटायर कॉम्बिनेशन, द चार्ज ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड कैपेसिटर इज, द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बोल रहा है कि थर्ड कैपेसिटर के अलोंग कितना होगा वो हमें बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में वो हम कर लेते हैं। देखो पहला कैपेसिटर है हमारे पास, ये है 3 माइक्रोफेराडे का, ठीक है, 3 माइक्रोफेराडे का, और ये दूसरा कैपेसिटर है मान लेते हैं ये है 5 माइक्रोफेराडे का। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को पैरेलल में हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। पैरेलल में ऐड करके इसको हम क्या कर रहे हैं, तीसरे कैपेसिटर से 2 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर से हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 माइक्रोफेराडे का एक कैपेसिटर है, इसके साथ हम सीरीज में ऐड कर दे रहे हैं और इसको हम जोड़ रहे हैं कितना से, 100 वोल्ट के वोल्टेज के बैटरी से, ठीक है ना, 100 वोल्ट के बैटरी से। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि इसका, इसके अक्रॉस यानी कि किसके अक्रॉस, थर्ड कैपेसिटर कौन है, 2 माइक्रोफेराडे का है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा और क्यों क्या होगा वो हमें दोनों बता दो। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों का पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 5 माइक्रोफेराडे प्लस 3 माइक्रोफेराडे विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफेराडे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, 8 माइक्रोफेराडे हो जाता है हमारा ये। अब ये क्या है, सीरीज में है, ये सीरीज में है तो सी एस इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये सी पी इंटू 2 माइक्रोफेराडे, ठीक है, यानी कि सी पी इंटू सी थ्री इसको बोल देता हूँ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई सी पी प्लस सी थ्री विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 2 / 8 + 2 = 10 विच इज इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास, सी एस का वैल्यू 1.6 माइक्रोफेराडे, 1.6 माइक्रोफेराडे, यानी टोटल जो है ना, टोटल नेट कैपेसिटेंस कितना है इसका, 1.6 माइक्रोफेराडे है। तो यहाँ से चार्ज कितना यहाँ पे निकलेगा वो हमें पता चल जाएगा, चार्ज Q, तो Q कितना निकलेगा, Q हो जाएगा सी एस इंटू वी, सी इंटू वी होता है, तो विच इज इक्वल टू 1.6 × 100 विच इज इक्वल टू 160 माइक्रो कूलम जाएगा। अब देखो 160 माइक्रो कूलम जाएगा तो ये क्या चीज़ पूरा सीरीज में है तो इसमें भी कितना जाएगा, 160 माइक्रो कूलम जाएगा, ठीक है, 160 माइक्रो कूलम जाता है। अगर लेकिन ये सीरीज में है तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्यू पता चल गया, सी पता है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज कैसे निकलेगा इसके अक्रॉस, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q अलोंग 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम के अबाउट कितना होगा, Q इज इक्वल टू C 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, V 2 माइक्रोकूलम के अबाउट, ठीक है ना, हमें V निकालना है, Q पता है, Q कितना है, 160 है, अच्छा ये 2 माइक्रोफेराडे है सारा, सॉरी थोड़ा आज गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक है ना, ये माइक्रोफेराडे है, तो ये हो गया 160 माइक्रोकूलम, क्यू आ गया हमें इसके अक्रॉस कितना है, 160 माइक्रोकूलम। अब हमें इसके अक्रॉस कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेराडे दिया हुआ है इंटू वी, जो कि हमें वी निकालना है 2 माइक्रोफेराडे के अबाउट, तो ये कितना हो जाएगा, 160 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 80 वोल्ट आ गया हमारे पास, क्लियर बात है, 80 वोल्ट आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था कि कितना होगा हमारे पास चार्ज और V, तो V कितना हो जाएगा, V हो जाता है हमारे पास फाइनली 80 वोल्ट, तो 160.80 होना चाहिए, 160.80 डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ और सही है डी नंबर ऑप्शन इसका। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।